सॉरी मर्चिन योर साइब। ये मसाले लेने हैं, एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 10-12 लाल मिर्चे। अब हम इस मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हम इस मसाले को पीस लेंगे। अब हमने एक चम्मच आमचूर का पाउडर, आधे चम्मच हल्दी, एक चम्मच सॉल्ट और एक चम्मच चाट मसाला लेना है और थोड़ा सा इमली का पल्प लेना है और ग्रीन चिलीज को डीसीड करके साफ करके ऐसे रख लेना है ड्राई करके। हमने इसको दरदरा पीसना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना। और अब इस इमली के पल्प को हम इस मसाले में मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट रेडी हो गया। अब इस पेस्ट को हम इन ग्रीन चिलीज के अंदर फिल करेंगे। अब हम 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन लेंगे और इसको ऑयल में डालेंगे और सॉटे करेंगे। जब लहसुन सॉटे हो जाएगा लाइट गोल्डन ब्राउन, हमने इसको काला नहीं करना, तो हम इसमें ये मिर्च ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जो मिर्च सॉफ्ट हो जाए और जले ना, और इसको मिक्स करके हम लिड लगा के 10 मिनट्स के लिए, 1 मिनट के बाद लिड उठा के हम इसको हल्की सी आंच तेज करके भून लेंगे। अब ये हमने इतनी फ्राई करनी है कि ये मसाला काला भी ना हो और ना ही ये मिर्चें काली हो, बस ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसका चूल्हा बंद करके इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव कर सकते हैं फ्रिज में रख के up to 1 month। Fry masala filled hari mirchi ready.